बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ स्टेटस फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी ऑफ मॉडल एंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट बैकग्राउंड एंड रेशनल फॉर द क्लासिफिकेशन सिस्टम नॉलेज ऑफ अ कंप्लेक्स रिलेशनशिप हेल्थ स्टेटस, फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर डिलीवरी ऑफ इफेक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज जो हमारे पास हेल्थ स्टेटस है या फिर फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी जो है इन सब का जो कम्पलेक्स रिलेशनशिप है इनका नॉलेज जो है हमें प्रोवाइड कर रहा होता है एक फाउंडेशन कि हम इफेक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर सकें Uh, क्योंकि अगर आप इन सब का हमें इलम नहीं होगा तो हम जो इफेक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो जो हमारे पास जो बुनियादी इफेक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज है वो हम प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे ना कि जो है हेल्थ अगर किसी को हेल्थ स्टेटस का नहीं पता कि उसकी जो है वो स्ट्रोक है उसकी वजह से जो है उसकी कौन सी फंक्शनल फंक्शन function जो है लिमिटेशन हो जाएंगी उसको कौन सी डिसेबिलिटी हो जाएगी तो इसके लिए जो है ये इसका जो हेल्थ स्टेटस का फंक्शनिंग और डिसेबिलिटी का अगर नाले जो है कम्प्लेक्स रिलेशनशिप जो है इसका नॉलेज जो है हमें प्रोवाइड करा होता है एक फाउंडेशन फॉर डिलीवरी ऑफ इफेक्टिव हेल्थ केयर दिस नॉलेज इन टर्न टर्न प्रोवाइड अ थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क अपान विच प्रैक्टिस कैन बी ऑर्गेनाइज एंड रिसर्च कैन बी यूज हम इस ये जो नॉलेज है किसके किस के दरमियान जो रिलेशनशिप है बिटवीन देल्थ हेल्थ स्टेटस का फंक्शन फंक्शनिंग का या डिसेबिलिटी का ये हमें प्रोवाइड कर रहा होता है एक थ्रिटिकल फ्रेमवर्क थ्रोटिकल एक नजरियाती फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा होता है जिसमें अपॉन विच प्रैक्टिस कैन बी ऑर्गनाइज़ इस, इस पर हम क्या कर रहे होते हैं प्रैक्टिस को ऑर्गनाइज़ कर रहे होते हैं और रिसर्च जो है इसकी बेस बन रही होती है ठीक है रिसर्च का बेस बन रहा होता है ये ताकि हम क्या करें फैसिलिटेट करें एफेक्टिव मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ पेशेंट रिफ्लेक्टेड बाई मीनफुल फंक्शनल आउटकम ओबियसली अगर हम पेशेंट uh, को जो है वो एक uh, um, हमें नॉलेज मिलेगी हम उस पर जो है वो एक प्रॉपर एक वर्क करेंगे ताकि हम पेशेंट को उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करेंगे उसको पूरा एक मैनेजमेंट करेंगे उसकी तो उससे जो है हमें मीनिंगफुल फंक्शनल आउटकम मिलेंगे तो इसलिए ये हमारे पास अफेक्टिव जो जो मैनेजमेंट है और पेशेंट की जो हेल्थ केयर है उसको हमें हम जब करेंगे इसके अकॉर्डिंग इस नॉलेज को लेके तो उससे जो पेशेंट है उसको मीनिंगफुल और जो फंक्शनल आउटकम है वो हमें नज़र आएंगी ना अब पेशेंट जो है वो ट्रीट हो रहा है पेशेंट को पेशेंट जो है वो अपने वर्क की तरफ जा रहा है अपनी जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं देन हमारे डिसेबलमेंट एक, एक जो है टर्म है एक असलाह है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं इन आ, अर्ली कल, हेल्थ आ, क्लासिफिकेशन मॉडल में क्योंकि रेफर टू द इम्पैक्ट इससे मराद ये है कि द इम्पैक्ट एंड द फंक्शनल कंसिक्वेंसिस ऑफ एक्यूट और इकोनोनिक कंडीशन इससे मतलब है कि इम्पैक्ट और फंक्शनल कन्सिक्वेंस जो है वो एक्यूट कंडीशन की या फिर इकोनोनिक कंडीशन की जैसे कि जैसे कि डिजीज हैं या फिर इंजरीज है या कंजेनेटल या फिर डेवलपमेंटल नॉर्मलिटीज़ हैं आन द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी दैट दैट कम्प्रोमाइज़ द बेसिक ह्यूमन परफॉर्मेंस एंड द इंडिविजुअल एबिलिटी टू मीट ए नेसेसरी कस्टमर expected एंड डिज़ायर सोसाइटल फंक्शन एंड रोल ओबियसली एक्वट या क्रोनिक कंडीशन होगी वो किसी डिजीज से की वजह से हैं या इंजरीज़ की वजह से हैं या फिर जो है वो कंजेनाइटल uh, जो बाई बर्थ हैं या फिर डिवेलमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं उससे एक स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन जो है वो इन्वॉल्व uh, हुआ हुआ है जो जो कंप्रोमाइज़ कम, कर रहा है ह्यूमन परफॉर्मेंस को और in, जो इंडिविजुअल्स की एबिलिटी है उसको कंप्रोमाइज़ कर रहा है और वो जो नेसेसरी जो जो अपनी जो रोज़मर की जो जो काम हैं वो सब जो है जैसे रोजमर्रा की जो बुनियादी है जो एक अफرد के लिए जरूरी होती है और जो सोसाइटल uh, जो है एक्सपेक्टेशंस हैं जो नॉर्मली आप uh, सामाजिक काम कर रहे होते हो वो सारे जो है आपकी कंप्रोमाइज हो रहे होते हैं तो इस, अगर ये कंप्रोमाइज होंगे तो वो डिसेबलमेंट में डिसेबलमेंट कहलाता है ठीक है इनहेरेंट इन द एवोल्यूशन एंड करंट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज Of the disabliment process in healthcare delivery is an understanding that the process is not unidirectional। हम ये समझते हैं कि ये अमल जो है ये ये, ये unidirectional होगा, हो but ये एक हमारे पास ये जो ये है ये unidirectional नहीं है। Uh, क्योंकि जब हम uh, जो हेल्थ केयर की फैसिलिटी को देख uh, क्योंकि करंट एप्लीकेशन ऑफ हेल्थ केयर नॉलेज को देख रहे होते हैं डिसेबलिनमेंट प्रोसेस को देख रहे होते हैं तो उससे हमें पता चलता है ये एक नॉट यूनि डायरेक्शनल नहीं है दैट इज़ इट इज़ नॉट नेसेसरी टू आर अनप्रोवेंटेबल आर द इिवर्सेबल ये अनप्रोवेंटेबल भी नहीं हो सकता कभी कभी और ये इिवर्सेबल भी नहीं हो सकता फर्दर मोर इट इज अज्यूम दैट इट इज़ मोस्ट इन इंस्टेंट्स डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स सच एज द सेवेरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द पैथोलॉजिकल कंडीशन In the patient access to quality of health care as well as motivation and desire of the patient, the progression of the process can in indeed to be altered and the patient function improved. So um, हम ये जानते हैं कि ये जो हमारा जो disability इनका process है, इसके ये unidirectional कभी-कभी नहीं होता, इसमें जो है इसमें कुछ factors जो है वो depend कार्य होते हैं कि जैसे सिवेरिटी है ड्यूरेशन ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन है वो डिपेंड कर रहा होता है कि वो कितनी प्रोलॉन्ग है कि कम है अगर किसी की पैथोलॉजी इतनी सीरियस नहीं है तो वो डिसे, वो डिसेबलमेंट की तरफ नहीं जाता लेकिन अगर किसी की पैथोलॉजी ज़्यादा है उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा है जो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो उसकी हेल्थ केयर जो है उसको जो अफेक्ट कर रही है उसकी जो इवन के पेशेंट की मोटिवेशन पेशेंट की डिज़ायर ये सारी जो है वो डिपेंड कर रही होती हैं कि पेशेंट जो है वो डिसेबलमेंट uh, की तरफ जा रहा है या नहीं अगर पेशेंट को पेशेंट बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट है पेशेंट जो है है वो अप, अपनी जो है उसको आ, उसको पता है कि मैंने आ, ये कर, करना है उसको जो डिज़ायर है वो वो कोशिश कर रहा है कि वो फुलफिल होनी चाहिए तो पेशेंट जो है की तरफ नहीं जा रहा होता आ, ये प्रोसेस आ, जो है वो ऑबली अल्टर हो रहा होता है और पेशेंट जो है वो अपना फंक्शन जो है इंप्रूव कर रहा होता है आ, अपनी विल पावर से अपनी डिजायर से मोटिवेशन से एक क्वालिटी हेल्थ केयर सिस्टम के तहत जो है वो अपनी जो है कंडीशन को इंप्रूव कर रहा होता है और जो डिसबल की तरफ नहीं जा रहा इन अंडरस्टैंड And application of the disablement process shift to focus the patient management from the from a strict treatment of a disease or injury to the treatment of the impact or disease, injury or disorder has on a patient function as well as identification of the underlying cause of the patient dysfunction. ओबियसली हम जब डिसेबिल uh, प्रोसेस को हम समझ रहे होते हैं और एप्लीकेशन कर रहे होते हैं डिसेबिल प्रोसेस को वो हमारा शिफ्ट जो हमारा फोकस जो होता है वो पेशेंट मैनेजमेंट से मैनेजमेंट से जो पेशेंट मैनेजमेंट से वो फोकस जो है वो जाता है फ्राम द स्ट्रिक Uh, कहाँ पे चला जाता है स्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट स्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज और इंजरी इंजरी से जाता है वो ट्रीटमेंट टू द इम्पैक्ट दैट डिजीज़ जो इम्पैक्ट हो रही होती है फ्रॉम द इंजरी एंड डिसऑर्डर ऑन द पेशेंट फंक्शन एज वेल एज आइडेंटिफिका इन द अंडरलाइंग काज ऑफ द पेशेंट डिसफंक्शन की तरफ चला जाता है हमारा और uh, ये प्रोस्पेक्टिव जो है पर्सन को नॉट सोली सोली द डिजीज या ये पर्सन को ये नहीं देख रहा होता कि उसको डिजीज या डिसऑर्डर है बल्कि द सेंटर एफर्ट ये होता है कि वो प्रोवेंट करे या फिर हेल्थ टू प्रोग्रेशन ऑफ डिसेबिलिटी बाई इम्प्लॉइंग द इंटरवेंशन दैट इम्प्रूव द पेशेंट फंक्शनल एबिलिटी विल सामल्टेनियसली रिड्यूसिंग एंड एलिमिनेटिंग बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी तो मतलब मकसद ये है कि हम वो ना सिर्फ ये जो बीमारी या खराबी को को जो है वो दूर कर है बल्कि उसको जो जो उसकी जो फर्दर कम्प्लिकेशन है या फिर जो डिसेबिलिटी आ रही है उसको प्रोग्रेशन में मद, रोकने में मदद कर रहा होता है और जो है वो ताकि पेशेंट जो है वो इजीली जो अपने जो फंक्शनल एबिलिटीज़ हैं उनको बेहतर बेहतर कर सके और जो डिफरेंट uh, जो डिसेबिलिटी के काजेज़ हैं उनको कम से कम किया जा सके